मध्य प्रदेश में सिस्टम का लंबा ब्रेक खत्म होने से बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। 24 घंटे में बारिश के बीच बिजली गिरने से सतना में 3 तो विदिशा में 4 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में भदभदा डैम का एक गेट खोलकर बड़े तालाब का पानी निकालना पड़ा। ये गेट शनिवार शाम 6 बजे बंद किया गया। भोपाल के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। पिछले 24 घंटे में ग्वालियर में 2 इंच से बारिश हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, बैतूल, सागर, दमोह, उज्जैन और सतना भी तरबतर हो गए। सतना में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। भिंड में बादल छाए हैं, लेकिन जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में 7 अगस्त तक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। इससे 8 अगस्त से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में पानी गिरता रहेगा। 19 से 25 अगस्त तक ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और नर्मदापुरम में रिमझिम बरसात होती रहेगी। रक्षाबंधन के दिन यानी 11 अगस्त को भोपाल में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवातीय गतिविधियां सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ से मध्य पाकिस्तान के आसपास संयुक्तम ट्रफ के साथ चक्रवातीय गतिविधियों के रूप में बना हुआ है। वहीं मॉनसून ट्रफ बीकानेर, कोटा से लेकर रायसेन, रायपुर और दीघा होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है। साथ ही मध्य कर्नाटक और झारखंड के ऊपर भी चक्रवात सक्रिय है। उत्तरी आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव में 7 अगस्त यानी आज पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्षेत्र बनने की संभावना बनी हुई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।